14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली धर्मस्थल से कुछ ही दूरी पर विधायक मोहनलाल बडोले के गांव में राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। लेकिन सीएम के कार्यक्रम से पहले ही किसान और खापों ने मोर्चा खोल दिया और ऐलान भी कर दिया, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। सीएम के विरोध को लेकर किसान किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, इस पर किसानों से बातचीत की हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने। 14 अप्रैल को किसानों ने जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का फैसला लिया है, तो इसके समानांतर सरकार ने भी सभी जिलों में कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री जहां पर सबसे बड़ा धरना सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है, उसी क्षेत्र के बड़ोली गाँव में डॉक्टर भीमराव की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रही हैं। लेकिन सीएम के कार्यक्रम से पहले ही उनका विरोध होना शुरू हो गया है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किसान और जो खापे हैं वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध क्यों कर रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर राजेश दहिया हूं, भारतीय किसान यूनियन अंबावत का राष्ट्रीय प्रवक्ता और दहिया खाप का हम प्रवक्ता हूँ। तो हम जो हमारे गांव सोनीपत के ज़िले में जो बड़ौली गांव में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसका हम सभी क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं। उस मामले में हमने आतिल खाप की कल मीटिंग भी हुई थी और कल पूरे ज़िले सोनीपत के जितने भी खापे हैं, यूनियन हैं, किसान संगठन हैं और जो खापे आतिल खाप जैसे हमारी सरोवा खाप है, दहिया खाप है, सभी की कल 11 बजे मीटिंग है धरने के ऊपर पार्कर मॉल के सामने। और हमारे ये पूरे सोनीपत जिले के जितने भी हम किसान भाई हैं, सब इस सीएम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और उसकी रणनीति कल बढ़ाई जाएगी कि उसका विरोध कैसे किया जाएगा, उसके हेलीकॉप्टर को कहाँ रोका जाएगा या जो बीजेपी के नेताओं हैं उनको कहाँ रोका जाएगा। हमारे अनिल विज जी गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना काल है इसलिए किसानों की बात सुनी जाए, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पहले ही किसानों के अंदर शांति भंग करने के लिए अपने प्रोग्राम रख रहे हैं, जबकि पहले बता दिया गया था कि बीजेपी जेजेपी वाले कोई भी प्रोग्राम ना रखें जिससे हमारे क्षेत्र में अशांति फैले और उसके कारण हमारा आपस में प्यार खत्म हो, मनमुटाव बढ़े। तो आप बताइए किस तरह से विरोध होगा मुख्यमंत्री का, क्यों नाराजगी है किसानों में? 4.5 महीने हमें धरने पर बैठे हुए हो गए, 2 महीने पंजाब में धरना दे चुके हैं, कुल मिलाकर 6.5 महीने हो गए और ये सरकार हमारा एडी चोटी का जोर लगाकर हमारे आंदोलन का विरोध कर रही है, आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र कर रही है। कभी हमें नक्सलवादी बताती है, कभी माओवादी बताती है, कभी हमें देशद्रोही कहती है, कभी हमें विदेशी एजेंट कहती है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम उनके कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। वो गद्दारों की सरकार है, जल्लादों की सरकार है, वो किसानों और मजदूरों की सरकार नहीं है, इन किसानों और मजदूरों की दुश्मन सरकार है। हम उसको उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी सीमा तक इस आंदोलन को चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए किसानों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि सरकार कहीं ना कहीं दलित और किसानों के बीच खाई खड़ी करने के लिए समानांतर कार्यक्रम कर रही है और किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का बड़ोली का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए किसानों और खापों ने अभी से कमर कस ली है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।